नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं कावेंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सितारगंज से आ रही इस खबर के साथ, जहां 19 अक्टूबर को मुस्लिम समाज का पवित्र त्यौहार ईद मिलादुन्नबी है, जिसके चलते 18 अक्टूबर की रात जलसा और 19 अक्टूबर की सुबह जुलूस ए मोहम्मदी जामा मस्जिद से शुरू होते हुए नगर के किच्छा मार्ग से खटीमा मार्ग गुजरते हुए ईदगाह पर समाप्त होगा। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होते हैं, जिसके चलते जुलूस निकलते समय मार्गों पर वाहनों का प्रवेश रोके जाने, मार्गों पर पूरी तरह से सफाई होने, बाजार में आवाज घूमने वाले जानवरों को रोके जाने जैसी ये मांगों को लेकर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा है। तो सितारगंज से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा है। आगामी त्यौहार को लेकर सड़कों पर साफ सफाई, सड़कों पर मार्गों पर जो जाम लगता है उसको व्यवस्थित करने को लेकर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ईद उल मिलादुन्नबी का जो पर्व हर साल मुस्लिम समाज का मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, इसको लेकर सौंपा है, क्योंकि 18 तारीख अक्टूबर को जो है इसका जलसे का कार्यक्रम है रात में जामा मस्जिद इंटरवल के सामने चौराहे पर। उसके बाद यहीं से जामा मस्जिद चौराहे से 19 अक्टूबर को सुबह जो है जुलूस निकलेगा, जो हर साल निकलता है, और सभी मार्गों पर बाजार में होते हुए जो है ईदगाह पर आके उसका समापन होता है। तो हमने इसमें मांग की है एकदम साहब से कि इसमें जो मार्ग हैं जहाँ पर गंदगी है उसको सफाई करी जाए, और जहाँ ये आवारा पशु जो घूमते रहते हैं उनको जो है कहीं ना कहीं रोका जाए, और बड़ी गाड़ी जो प्रवेश होता है बड़ी गाड़ियों का उन पर जब तक जुलूस ना निकले बाजार से पूरा खत्म ना हो जाए उसका जो है प्रतिबंध किया जाए। तब आज जो हमने अधिकारी महोदय को जो ज्ञापन सौंपा है वो आज हमारा जो जुलूस ए मोहम्मदी जो त्यौहार आ रहा है 12 रबीउल अव्वल, और उस आधार पर जो आज यहाँ हमारे शहर में जहाँ तहाँ गंदगी हो रही है उस गंदगी को साफ सफाई के लिए, बाकी जो पशु जानवर घूम रहे हैं उनको थोड़ा सा हटाने के लिए, बस इसीलिए। वहीं रुड़की के पिरान कलियर विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने आज विधानसभा के उस क्षेत्र का निरीक्षण किया जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हाजी फुरकान का निवास स्थान माना जाता है, पर उसी स्थान पर बना आंगनवाड़ी केंद्र सालों से बंद पड़ा हुआ है और उसके बाहर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इस गंदगी से आसपास के क्षेत्र के लोगों को बीमारी का डर सताने लगा है। इसी मोहल्ले का निरीक्षण कर आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने कहा कि वो इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराएंगे, मगर अधिकारी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लेते हैं तो वो खुद झाड़ू लेकर सफाई करने का काम करेंगे। देखिए साहब, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है खामियों का भंडार है, और रामपुर में ही नहीं है, पूरे पिरान कलियर विधानसभा में है। यहाँ पे जो हमारे मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, ये जो हमारी सरकार है वो सोई हुई है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरीके का यहाँ पे अभी निरीक्षण किया है हमने आंगनबाड़ी केंद्रों का, तो आंगनबाड़ी केंद्रों की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे मैं वादा करता हूँ पूरे उत्तराखंड के विधायकों से, अगर कोई 10 मिनट आके इस कचरे में खड़ा हो जाए या इस मोहल्ले वासियों के दर्द को समझ ले तो साहब मैं आप जो कहोगे वो हारने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 10 मिनट यहाँ पर गंदगी में आके खड़ा हो जाए, इन लोगों की समस्याएँ समझिए आप। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, जो रियलिटी है मैं वो आपको जाहिर कर रहा हूं यहां पर। वहीं चार धाम यात्रा शुरू होते ही चमोली के जोशी मठ में जाम लगने का सिलसिला जारी है। इन दिनों जोशी मठ में जगह जगह जाम लगने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन जाम खोलने में पूरी तरह से लगा हुआ है। जोशी मठ मुख्य बाजार में भी लंबा जाम लगने से लोगों को कई घंटों तक परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें कि जोशी मठ नरसिंह मंदिर बाईपास पिछले कई दिनों से भूस्खलन के कारण बाधित है, जिस कारण जोशी मठ बाजार में लंबा जाम लगा रहता है। चमोली में आज माता मंगला का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी और जिला कांग्रेस समेत तमाम लोग मौजूद रहे। स्थानीय फूड प्लाजा में एक सादे समारोह में छोटे छोटे बच्चों के साथ मीडिया कर्मियों, समाज सेवियों और बुजुर्गों ने मिलकर माता मंगला जी के जन्म उत्सव पर केक काटकर एक दूसरे को खिलाया, भगवान बद्री विशाल से सुख समृद्धि की कामना भी की है।
वहीं नैनीताल पहुंचे सचिव कार्मिक और सतर्कता अरविंद सिंह हयांकी ने आयुक्त कार्यालय शुद्धिकरण कार्य सुखताल झील सौंदर्यकरण और कचहरी पार्किंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को सुखताल झील सौंदर्यकरण कार्य में गति लाने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अच्छा शेप देने के लिए और उसका पुनर्जीवन कैसे हो इसकी परिकल्पना की थी, तो उसको ही मैं भी मॉनिटर करूंगा। अभी मीटिंग रखी है मैंने, वो साइट विजिट भी कर रहा हूं। तो वो नैनीताल के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लोगों ने दशकों से जिसकी परिकल्पना की थी, लेकिन अब दो एक साल के अंदर वो एक अच्छे एक सत्य के रूप में सामने आए, ये कोशिश चल रही है। बिंदु खत्ता स्थित आंवला देवी मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन सिंह मेहता ने पूरे भारतवर्ष के लिए माता से सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। उन्होंने बताया कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की जंग जारी रहेगी। पूर्व सैनिक कुंदन सिंह मेहता लालकुआ विधानसभा 2022 चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान पर उतर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की जंग जारी रहेगी, उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जाएंगे। राजस्व गांव के लिए उनकी पूरी टीम सक्रिय है। मैं मां जगत जननी माता से यही प्रार्थना करूंगा, नव दुर्गा जी से, कि क्षेत्र में खुशहाली आए, सभी के घरों में सुख शांति हो, खुशहाल सब परिवार रहें, बाल बच्चे सुखी रहें, सभी को विद्या दे, धन दे, सुखी रखे, सभी गरीब परिवारों को आगे बढ़ाएं और बिंदु खत्ता को और पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड, पूरे भारतवर्ष को खुशहाल रखे और सबका सुखी जीवन बीते, सभी बच्चों को आगे उनका उज्जवल भविष्य हो, यही मैं मनोकामना करता हूँ। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने अगले 20 दिनों के लिए बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि गंग नहर 4 नवंबर को खोला जाएगा। गंग नहर बंद होने के चलते हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान में परेशानी होगी, NCR क्षेत्र में भी पानी की किल्लत हो सकती है। तो गंग नहर को अगले 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि गंग नहर को 20 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। 4 नवंबर को खोली जाएगी गंग नहर, तो 20 दिन के लिए बंद किया गया है, 4 नवंबर को गंग नहर खोल दी जाएगी। तो ये हरिद्वार से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर 20 दिनों के लिए गंग नहर को बंद किया गया है। बंद क्यों किया गया है? क्योंकि वार्षिक रखरखाव और मरम्मत का काम सिंचाई विभाग अगले 20 दिनों तक करेगा, जिसके चलते 20 दिनों के लिए गंग नहर अब बंद रहेगी। तो 4 नवंबर तक गंग नहर अब बंद रहने वाली है। नहीं, कारण तो क्या, वार्षिक रूप से जब नहर चलती है तो इसमें सिल्ट आ जाती है, नीचे जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पर राजवा है और अर्पिका है, जो भी हैं, सब में सिल्ट इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी सफाई होती है। दूसरा, ये खरीफ की फसल खत्म कट जाती है और रवि की तैयारी हो, तो ये पीरियड थोड़ा सा गैप होता है किसानों के लिए, तो उनको पर्याप्त पानी रवि में देने के लिए, तो ये प्रावधान है कि इस 20 दिनों में इसकी सिल्ट विल की सफाई करके और जो अन्य टूट फूट होती है नहर में या राजवाओं में, वो इस दौरान कर ली जाती है। नैनीताल में आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संतोष उपाध्याय से मल्लीताल स्थित मोहन चौराहे पर कई दिनों से बह रही सीवर लाइन को तुरंत सही कराने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इस सड़क पे सीवर के मेन होल से लगातार सीवर का गंदा पानी बह रहा है, जिससे आने वाले राहगीरों, पर्यटकों, महिलाओं और बच्चों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये जो समस्या को लेकर आज हमने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को मैंने बात की है इसमें, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नैनीताल की मुख्य सड़क है और इसमें वन वे है और हाईकोर्ट की मेन सड़क है। विगत कई दिन से इस पूरे मार्ग में ये सीवर लाइन जो है ओवरफ्लो है और सीवर लाइन बह रही है, और जिससे इस पूरे मार्ग में चलने वाले जो हमारी जो है स्थानीय जनता है, उसके साथ साथ जो हमारे इसमें जो पर्यटन यहाँ पे चल रहा है नैनीताल का, इसमें आप देख रहे वीकेंड रहा है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे देश विदेश से हमारे यहाँ पर पर्यटन
जो हमारे बंधु भाई वो भी आए हैं उनके साथ साथ, और यहाँ के तो हमारी स्थानीय महिलाएं बच्चे उनको भी बहुत असुविधा हो रही है। इसलिए मैं विभाग से, जल संस्थान से और शासन प्रशासन से ही मांग करना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र ही इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि लगातार ये विगत कई दिनों से ये समस्या इस सड़क पर बनी हुई है। इसलिए मेरा अनुरोध है इस संस्था से और विभाग से कि जल्दी जल्द इस समस्या का समाधान करें। उधमसिंह नगर के खटीमा में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर की तरफ से कुछ दिन पहले पंत नगर यूनिवर्सिटी में उधमसिंह नगर के टॉपर बने पीयूष भट्टाचार्य को मां सरस्वती की स्मृति भेंट कर सम्मानित किया। वहीं एसएस कलेर ने बताया कि उभरती प्रतिभा, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या वो किसी अन्य क्षेत्र में हो, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने छात्र को सम्मानित किया है। उधम सिंह नगर का ये जो पूरा मामला है, सरस्वती की भेंट कर उनको सम्मानित किया गया है, सरस्वती की स्मृति को भेंट कर सम्मानित किया गया है। तो उधम सिंह नगर से ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर की तरफ से पंत नगर यूनिवर्सिटी में जो टॉपर थे पीयूष भट्टाचार्य, उनको मां सरस्वती की स्मृति भेंट कर सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही एसएस कलेर ने यह भी कहा है कि कोई भी अगर किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको सम्मानित करना चाहिए। तो सरस्वती की स्मृति भेंट कर सम्मानित किया गया है। उधम सिंह नगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीयूष भट्टाचार्य जो कि टॉपर हैं, उनको एसएस कलेर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने सम्मानित किया है। सम्मानित करने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी अगर प्रतिभावान है तो उसको सम्मानित करते रहना चाहिए। तो उधम सिंह नगर के खटीमा का ये पूरा मामला है, जहां आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने सम्मानित करते हुए पीयूष भट्टाचार्य को उन्हें मिठाई खिलाई और साथ में स्मृति भेंट चिन्ह भी दिया है और कहा है कि अगर प्रतिभा है तो उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। पंत नगर यूनिवर्सिटी में पहला स्थान पूरे उधमसिंह नगर से पहला स्थान करा, इसकी हमें खुशी हुई और हमें पूरे क्षेत्र को, इसके परिवार को बधाई देने आए, इस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए आए। हमें इस बात की खुशी होती है हमारे क्षेत्र के, खटीमा क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसका हौसला बढ़ाया। वहीं बाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपने लालच के चलते पार्टी बदलने का काम करते हैं, लेकिन किसी भी नेता के दल बदल करने से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता। बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी करने के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तो बाजपुर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर नेता ने कहा है कि नेता के दल बदलने से पार्टी को नुकसान नहीं होता। बाजपुर में ये उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद पांडे, उन्होंने कहा है कि दल बदल करने वाले नेताओं पर बड़ा, उन्होंने जो बयान देते हुए कहा है कि नेता दल बदलते हैं लेकिन इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऐसा उन्होंने बाजपुर में कहा कि नेताओं के दल बदल करने से पार्टी को खासा नुकसान नहीं होने वाला है। और ये उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, आपको बता दें कि कुछ समय पहले उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य ने कांग्रेस में वापसी कर ली थी, जिसके बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। किसी के आने जाने से आज तक किसी भी दल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान होता है चाहे किसी दल में भी, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो किसी नेता के पीछे निष्ठावान होकर काम करते हैं, और जब वह नेता अपने लोभ लालच के लिए दल बदल करता है तो वहाँ के जो स्थायी कार्यकर्ता होते हैं, जो नेताओं के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, अपनी इज्जत को दाव पे लगा के, अपने सम्मान को दाव पे लगा के पार्टियों के लिए काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस में हो। निश्चित ही ऐसे घटिया टाइप के लोग जो अपने लोभ लालच के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए दल बदल करते हैं, वह निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी चोट पहुँचाते हैं और वो उनको अपमानित करते हैं, चाहे वो किसी दल के भी नेता हो। के भी लोग हैं जो लोभी लालची लोग होते हैं, जो महत्वाकांक्षा जिनके अंदर इतनी होती है कि वो दल के संविधान को नहीं जानते, अपने प्रदेश की परिस्थितियों को नहीं समझते, ऐसे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो जाना चाहते हैं कहीं भी, उनको ना कोई रोकने वाला पैदा हुआ है ना कोई रोक पाएगा। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा तय हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 5 नवंबर को केदारनाथ में प्रधानमंत्री 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे।
वहीं 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदारनाथ में अटूट आस्था है। पीएम बनने के बाद वो कई बार प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर केदारनाथ पहुंच रहे हैं, इसकी जो पुष्टि है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करी है। पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा अब जो स्पष्ट तौर हो चुके पर उन्होंने बताया है कि केदारनाथ का दौरा जो है प्रधानमंत्री मोदी का वो 5 नवंबर को होगा, जहां पर वो कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि 5 नवंबर को केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही साथ आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पुष्टि कर दी है और साथ ही साथ बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास भी लोकार्पण भी करेंगे। रूप से देखिए, यहाँ केदारनाथ बाबा का इतना बड़ा हमारा धाम है और उधर भगवान राम का स्थान है और अभी ये संयोग है कि मैं पहले केदारनाथ गया, चूँकि दोनों एक ही हैं, भगवान राम और भगवान शिव, तो यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, भगवान राम का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री आ रहे 5 तारीख को, कुछ प्रोग्राम अभी हाँ वहाँ पर, चूँकि बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएँ जो हमारी पूरी हो गई है, उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण होना है, इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार लगी है उसका भी, और जो वहाँ पर घाट बने हैं उन घाटों का भी लोकार्पण होना है, साथ साथ में जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं उन सबके, इसके अलावा सब मिला के 250 करोड़ के लोकार्पण है और नेक्स्ट चरण के लगभग 150 करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। सीएम धामी वहां पर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने। सीएम धामी ने कहा कि ये संयोग है, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं। मैं विद्यार्थी जीवन में कई बार पहले भी अयोध्या गया हूं, जब भी मैंने वहां देखा भगवान राम टेंट में थे, टेंट के चारों ओर सरिया लगी थी, भगवान वहां रह रहे थे। मैं सोचता था भगवान राम महल में कब विराजमान होंगे, अब रास्ता प्रशस्त हो गया है, निश्चित रूप से राम हम सबकी आस्था में बसते हैं। देखिए संयोग है, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं और मैंने बचपन से, चूँकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं, भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की आस्था में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं, हमारे हर हमारे सांसों में भी भगवान राम बसते हैं, तो मैं भी उनके दर्शन करके निश्चित रूप से जो सेवा कार्य है और भगवान राम का जो जीवन रहा है, जो उनका राज रहा है, आदर्श राज रहा है, उसी को आज देश के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। वहीं हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ पवित्र छड़ी का गंगा स्नान के बाद पूजन हुआ। वहीं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा की तरफ से निकाली जाने वाली प्राचीन पवित्र छड़ी को पूरे विधि विधान के साथ हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कराया गया। इस दौरान जूना अखाड़े के संतों और श्री निरंजनी अखाड़ा के श्री महंत रविंद्रपुरी के अलावा गंगा सभा के अध्यक्ष महामंत्री के साथ कई लोग भी मौजूद रहे। पवित्र छड़ी आज नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। इसी दौरान श्रीमंत हरिगिरी महाराज ने उत्तराखंड के चारों धामों के आसपास मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री से यथोचित कार्रवाई की मांग की है। संगठनों में अखाड़ों में समाते हैं, अखाड़ा एक अखाड़ा परिषद बनता है, इसलिए मतलब जो है मात्र मेरा उद्देश्य था कि उत्तराखंड के जो आप देखते हैं, मैं नहीं बोलना चाहिए,
अगर बिना बोले मैं रह भी नहीं सकता हूँ, चाहे सरकार मेरे साथ जो चाहे कर सकती, खुली चुनौती मैं देता हूँ। क्योंकि अभी आप देखिए शेख सहारनपुर का मौलवी ने क्या कहा और बद्रीनाथ का क्या नाम रखा, आपको ज्ञात होना चाहिए। वहां संघर्ष चल रहा है कि हमें नमाज पढ़ने का अनुमति दिया जाए, 5,000 आदमी ज्योतिष मठ में और वहां नमाज पढ़ रहे हैं, केदारनाथ में, गौरी कुंड में उत्तराखंड के लोग शिक्षा और चिकित्सा न होने के कारण, क्योंकि न पिथौरागढ़ में कोई मेडिकल कॉलेज है और न कोई मतलब मेक सुधारा ऋषिकेश विशेष स्थापना है, ये कहां होना चाहिए था, चमोली में, पिथौरागढ़ में। ऋषिकेश देहरादून तो अपने आप हिमालय छू रहा है विकास के नाम पे, पर इसके कारण से पहाड़ का कोई थानेदार हो, इंस्पेक्टर हो, यहाँ तक कि नेता मिनिस्टर भी कहाँ रहना चाहते हैं, हल्द्वानी में। और ये बात सत्य है, पहाड़ अभी जितना भी ऊपर हमारे भाई बंधु सब प्लेन में आ रहे हैं, और हम जितने भी मठ मंदिर है जितने अखाड़े हमारा प्रयास होगा, और हमने ये चिंतन किया है, हमने मीटिंग भी की इसके लिए कि हम जो भी अगला जो हमारी जो मीटिंग होगी उसमें ये इशू होगा कि हम जितने भी मठ मंदिर है पहाड़ों में बनाएंगे, पहाड़ों में विद्यालय की स्थापना होगी, और जो भी हमारे से मठ मंदिरों से अखाड़ों से जो भी हम तक सहयोग होगा वो हम पहाड़ों के लिए करेंगे, और हम जो है पहाड़ों में मंदिर आदि एवं शिक्षा पहाड़ों में बहुत जरूरी है, और शिक्षा जो पहाड़ों में हम बहुत जल्दी से विद्यालय हम पहाड़ों में खोलेंगे। ये पलायन का मुद्दा है, ये पूरा उत्तराखंड में उठेगा, पूरे अखाड़ों में उठेगा, जितने हमारे संत है, महंत है, भगत है, जगत है, सबसे ये मुद्दा उठाया जाएगा, और हमारा यही मुद्दा है कि जो उत्तराखंड का पलायन बंद हो जाए, पहाड़ जो है पहाड़ अपना स्थिर हो जाए, पहाड़ में एजुकेशन मिले और उनको जो शिक्षा मिले, दीक्षा मिले, वहाँ मठ बने, मंदिर बने, और हर जितने पहाड़ के लोग हैं अपनी अपनी जगह पर वो स्थित रहे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।